नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय YouTube चैनल में आप सभी का मैं हर्षद जानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र। यदि आप लोगों को हमारी ये चैनल का पेज पसंद आता है तो सबसे पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके मित्र और सर्कल के अंतर्गत इस लिंक को शेयर करना ना भूलिएगा। कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स में मैं आज बात करने वाला हूँ लेशन नंबर 3, जिसका नाम है मुद्रा और मुद्रास्फीति। इस लेशन के अंतर्गत मुद्रा क्या है, मुद्रा का उद्भव किस प्रकार हुआ, मनुष्य को मुद्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, जब मनुष्य के पास मुद्रा नहीं थी तब वो मुद्रा के रूप में किस किस का उपयोग करता था, मुद्रा जब हाथ में नहीं थी तो मुद्रा से पहले वो किस प्रकार की पद्धतियों का उपयोग करता था और बाज़ार में मुद्रास्फीति का निर्माण किस प्रकार से होता है वगैरह बातों का इस लेशन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बात प्राचीन पद्धति की अगर मैं करूं तो आज मैं बात करूंगा सबसे पहले जो पद्धति चलती थी जब मुद्रा नहीं थी तो वो पद्धति थी वस्तु विनिमय प्रथा। तो सबसे पहले मैं वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूँगा। परिभाषा आप लोगों के सामने है जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज वस्तु या सेवा के बदले में अन्य चीज वस्तु या सेवा प्राप्त करने की पद्धति को वस्तु विनिमय प्रथा कहा जाता है। दोबारा एक बार थोड़ी परिभाषा टली कर लीजिएगा, किसी भी चीज वस्तु या सेवा के बदले में अन्य चीज वस्तु या सेवा प्राप्त करने की पद्धति को वस्तु विनिमय प्रथा कहा जाता है। अर्थात इसका सामान्य मतलब ये निकलता है कि आप किसी को कुछ वस्तु दो और बदले में उनसे कुछ वस्तु लो, मतलब आप उसको कुछ वस्तु दे देते हो तो बदले में वो आप लोगों को वस्तु देता है और ये पद्धति भारत की पद्धति है। वस्तु विनिमय प्रथा की मैं यदि आगे बात करूं तो इस प्रथा की विशेषता के रूप में और उसके उदाहरण के रूप में वस्तु विनिमय प्रथा को बदला पद्धति कहा जाता है। अर्थात मैंने आपको कुछ दिया तो बदले में आपने भी कुछ मुझे दिया। जैसे कि सर आप बताओ कि उदाहरण तो के गेहूं के बदले में कपड़े प्राप्त करना या कपड़े या जूते के बदले में अनाज प्राप्त करना, इस प्रकार वस्तु के बदले में वस्तु आप लेन देन करते हो। वस्तु विनिमय प्रथा भारत की सबसे प्राचीन पद्धति है। अर्थात जब भारत में कोई भी प्रकार की मुद्रा का खोज या संशोधन नहीं हुआ था तब वस्तु विनिमय प्रथा अधिकतर चलती थी और अंग्रेजी में इस पद्धति को बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अर्थात यदि आपको दो अंकों में ये प्रश्न पूछा जाए कि वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात क्या समझाओ
तो सबसे पहले उसकी परिभाषा जो आगे हमने देखी, एक बार उसको टैली कर लीजिएगा वापस कि भाई किसी भी प्रकार की चीज़ वस्तु या सेवा के बदले में अन्य चीज़ वस्तु या सेवा प्राप्त करने की पद्धति अर्थात वस्तु विनिमय प्रथा। दूसरा, उसकी इस पद्धति को बदला पद्धति कहते हैं, अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और मैन उसका उदाहरण कि गेहूँ के बदले में कपड़े प्राप्त करना या जूते के बदले में अनाज प्राप्त करना। मैंने जो उदाहरण लिखे हैं वही उदाहरण आप लोगों को लिखने हैं, ये जरूरी नहीं है। और ये पद्धति भारत की सबसे प्राचीन पद्धति है। इसी क्रम में वस्तु विनिमय प्रथा का अंत क्यों हो गया, वस्तु विनिमय प्रथा खत्म क्यों हो गई? क्योंकि जब ये अच्छी थी, बदले में वस्तु लेते थे, तो उसका अंत होने के पीछे का प्रमुख कारण था कि इसकी कुछ एक मर्यादा काम करती थी। वस्तु विनिमय प्रथा की मुख्य तीन मर्यादा, आप उसको समस्या भी कह सकते हैं, उसकी कमियां भी कह सकते हैं। परीक्षा में आपको मर्यादा पूछे, समस्या पूछे या उसकी कमियां पूछे, तो उसकी तीन मर्यादा थी, तीन समस्या थी, तीन कमियां थी। कौन कौन सी सर? तो कि एक, आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की मर्यादा, आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की मर्यादा। नंबर दो, मूल्य संग्रह की मर्यादा। और नंबर तीन, मूल्य मापन की मर्यादा। पुनः एक बार, आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की मर्यादा, नंबर दो मूल्य संग्रह की मर्यादा, और नंबर तीन मूल्य मापन की मर्यादा। इन तीनों मर्यादाओं के बारे में अगली जानकारी एक एक मुद्दे के हिसाब से समझने का प्रयत्न हम आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।